हाउ टेक्ट्रॉन और एम के ब्रेन दोनों का किल मैसेज देख लो, हमारे साथ आए हुए हैं ये लोबी में। तो इसको तो आप लोग जानते भी होंगे, यूट्यूबर है, यूट्यूब पे स्ट्रीम भी करते हैं, 20K प्लस इसके सब्सक्राइब भी हो चुके हैं। जैस के ऊपर नाम भी इसी का था और यहाँ पर ये लोग मारे गए थे। मुलाकात तो हमारी नहीं हुई, तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो इसका रिवेंज तो ले लेते हैं। पहले इनका अपने सीन चेक करो। कहाँ से जरा कहाँ से पड़ी है मेरे को आपको पता नहीं चला है कि आपको मारा कहां से, वैसे उसे भी नहीं पता चलेगा कि वो कहां से मारा है। अब इन दोनों को मारा था एहसन ओपी वर्ल्ड ने, अभी आप लोगों ने इससे रिवेंज वाला सीन चेक कर। तो भाई जैसे मैं यहां पे ये लोग गाड़ी लेके निकल रहे थे, मैंने इनको सिंगल फायर दी कि अभी भी यहां पे बंदे हैं, लूट मेरे पास बिल्कुल नहीं थी इसलिए मुझे यहां पे क्रेडिट दिखाई दी, मैंने फटाफट सबसे पहले से थोड़ी बहुत लूट ले ली। लेवल 2 का से मिला, जब तक मैं थोड़ी बहुत दूर कर रहा तब तक ये बंदे मेरे पे आ गए थे और उसके बाद फिर फाइट का सीन शुरू हुआ। अब इस एक बंदे को मैंने यहाँ ना नोक और सीधा फिनिश कर दिया, लेकिन उसका जो दूसरा बंदा था वो इसी छत के ऊपर था जिसको मेरे टीममेट ने काफी डैमेज कर दिया था। मैंने क्या किया कि रोटेशन मारी ताकि मैं रोड की तरफ जाऊं, वहां से मुझे बंदे दिखाई दे, मैं इसको डैमेज या वहां से इसको फिनिश कर दूं। फिनिश होने से तो ये बच गया था लेकिन इसको मैंने बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिया था। अब इसको मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया लेकिन यहां पे आ गई थी एक और स्क्वाड। अब मेरी हील भी काफी कम तो मैं यहां पे किट लगा रहा था। जैसी मैं किट लगा रहा था मैंने देखा कि आसमान से मुझे एक पैराशूट नीचे नजर आते हुए दिखाई दिया और ये था वही एहसन वाइटी जिसको हम ढूंढ रहे थे रिवेंज के लिए। अब यहां मुझे भी फायरिंग पड़ रही थी इसलिए मैंने पहले फायरिंग रोकी साइड पे और फिर मैंने इजीली इसको हवा में नॉक कर दिया ताकि ये भी टेक्ट्रॉन की तरफ अपने टीममेटों से कहे कि भाई कहां से मारा है मुझे इसने। तो ये था वो एहसन ओपी वाइटी। जैसे टेक्ट्रॉन को पता नहीं चला था कि मुझे कहां से मारा है वैसे इसे भी पता नहीं चला होगा, तो रिवेंज हमारा यहां पे हो गया था बराबरी वाला डन। जैसे इनको हम लोगों ने फिनिश किया तो दूसरी स्क्वाड वाले ने भी हम पे किया पुश, फिर हमारी फाइट हुई उन लोगों के साथ। अब इनके एक बंदा उड़ के छत पे आया तो उसको मैंने यहाँ पे नॉक किया, दूसरा रोड से इस तरफ आने की ट्राई कर रहा था दूसरे को वहां पे नॉक किया, लेकिन इसका तीसरा बंदा भी सामने किसी दरख्त के पास लेटा हुआ था, उसने वहां से मुझे बिल्कुल लॉक कर दिया था लेकिन मैं मरने से तो बच गया था लेकिन बिल्कुल जीरो हो गया था। मजे की बात यह है कि हम रिवेंज देने तो आए हुए थे लेकिन हमारे पास कोई लूट नहीं थी, हमने लेवल 2 के हेलमेट भी यहाँ किसी की पेटी से उठाए हुए थे, सिर्फ बैंडेज था मेरे पास, उसी बैंडेज को लगा कर मैं अपनी हील पूरी कर रहा था। उसका तीसरा टीम मेट भी फिर इसको रिवाइव देने के लिए इस तरफ आई थी स्मोक के अंदर, तो मैंने स्मोक के अंदर वैसे ही फ्री फायर दी, उससे इस स्क्वाड का भी हो गया था काम तमाम। लेकिन हमारी बदकिस्मती तो देखो भाई, जैसे ही इनके साथ फाइट एंड हुई कि हम पे दूसरी तरफ से पुश आ गया और सीधा उन लोगों ने सबसे पहले किया मेरे टीम में को। अब मैं इसको बचाने की ट्राई भी कर रहा था लेकिन कोई चांसेस के बचने का नहीं बन रहा था और उन लोगों ने किया अंधाधुंध मेरे पे पुश। तीन बंदे हर तरफ से आए तो इनमें भी मैंने एक बंदा कर दिया था नॉक। अब स्कारल मेरे पास खाली थी, हील भी नहीं थी, हो गया था पूरा जीरो। तो ऊपर जैसे ही मैं गया मैंने ऊपर एक पेटी देखी, वहां पे मुझे एमओ भी मिले और हील भी मिली लेकिन इसके बंदे मेरे पे कर रहे थे पुश और मोली, तो मैंने कहा भाई मैं साइड पे जाऊं ताकि मैं अपनी हील करूं। मैंने बहुत ट्राई की यहां से बच के निकलने की ताकि मैं एक दफा हील लगाऊं लेकिन नहीं हो सका। ठीक है, इसके एक बंदे नीचे कर दिया जिसने मुझे फिनिश कर दिया था। लव यू हो गया इनके लिए भी क्योंकि रिवेंज तो हमने अपना डन कर लिया था। बाकी मेंशन कर देना है टेक्ट्रॉन और एमके ब्रेन को जो जो इनको जानता है। वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ साथ रिपोस्ट भी कर देना है ताकि मेरे अकाउंट भी मेरे और भाई की भाइयों तक जाए। पहला वाला अकाउंट मेरा अभी ने कर दिया बैन और जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब का बटन टिकटॉक के प्रोफाइल पे जाके सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्द से जल्द मेरे 6K फॉलोअर कंप्लीट हो जाए। बाकी आप सब लोग के लिए।